केंद्र सरकार वालों लागू किए खेती काले कानूनों के खिलाफ अंदोलन कर रहे किसानों अज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पर केंद्र की मोदी सरकार ठस तो मस नहीं हुई और लागू किए इन्हों काले कानूनों वापस नहीं ले रही, जिसके चलद पूरा देश किसानों के समर्थन में आके सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली दिया सरहदा के किसानों अंदोलन करदिया 6 महीने बीत जाने पर इस दिन नू किसानों ने काले दिन वजो मनाया ते पंजाब भर के नाल नाल पूरे देश भर में किसानों ने काले झंडियां ला के मोदी सरकार के पुतले फूके। इसे ही कड़ी के तहत भारतीय किसान यूनियन दुआबा के जनरल सकत्तर सतनाम सिंह सानी की अगवाई हेठ समूह किसानों वालों मौली लंगर से काले झंडे ला के रोस प्रदर्शन किया गया। इस रोस प्रदर्शन मौके जिथे किसानों का गुस्सा केंद्र सरकार खिलाफ फुटिया, उत्थे ही इस रोस प्रदर्शन में महिलावां का भी गुस्सा केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ जम के फुटिया, मनुखी चेन बना के सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस दौरान समूह किसानों ने मोदी सरकार का पुतला फूकिया, जम के पिट स्यापा किया। इस दौरान महिलावां वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मकान दिंदिया स्यापा भी किया गया। इस दौरान किसी प्रकार की कोई अनसुखामी घटना ना वापरे इसलिए पुलिस प्रशासन वालों भी सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए हुए सन। इस मौके किसानों ने कुछ समय लिए नैशनल हाईवे भी जाम कर दिता, जिस कारण वाहनों दी लंबिया लंबिया लाइना लग गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन दुआबा के जनरल सकत्तर सतनाम सिंह सानी ने कहा कि अज का दिन समूह किसान काला दिवस वजो मना रहा है। उन्होंने समूह किसानों अपने हकों की लड़ाई लड़द्या दिल्ली दी सरहदा के बैठिया 6 महीने हो चुके हैं, पर केंद्र सरकार की कन्ना ते जूं तक नहीं सरक रही। उन्हां कहा कि जेकर मोदी सरकार ने यह तीनों काले कानून वापस ना लए तो आने वाले समय में मोदी सरकार नूं मूंह दी खाणी पवेगी। 26 मई नूं संयुक्त किसान मोर्चे का जिहड़ा दिल्ली विखे अंदोलन चलता, वो 6 महीने पूरे होने ते पंजाब समेत समुचे देश का किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी सरकार के पुतले फूक के काले झंडे लहरा के सरकार के विरुद्ध भी जिहड़ी केंद्र की BJP सरकार आ उहदे खिलाफ अपने जबरदस्त रोस का प्रगटावा करन लई सारे देश के पंजाब के पिंड पिंड हरियाणे के पिंड पिंड सारे देश के मोदी सरकार के पुतले फूक के और काले झंडे लहरा के किसानों वालों रोस का प्रगटावा किया जा रहा। तो सरकार को सीधा संदेहा कि जेकर सरकार तिने खेती कानून वापस लैण का ऐलान नहीं करती तो यह संघर्ष जरा लगातार जारी रहेगा जिन्ना चर सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेंदी। जेकर सरकार फैसले इमीजिएटली वापस नहीं लूगी, जिवें पहलियां 5 राज्यां दीआं चोणां च BJP का लक देश के वोटर ने तोड़िया ते आने वाले 5 राज्यां दीआं चोणां च भी BJP का मुकम्मल सफाया करन दा जिहड़ा प्रणया किसानों ने मजदूरों ने किया होया ते सारे देश के वासियों नूं अपील है और फगवाड़ा शहर वासियों नूं भी अपील है कि ठीक 11 बजे GT Road फगवाड़ा से जिते भारतीय किसान जी ने दुआबा के लंगर चलते मौली गेट से उत्थे पुतला फूक के काले झंडे लहरा के फगवाड़े शहर के किसानों मजदूरों दुकानदारों व्यापारियों वालों इतने रोस का प्रगटावा किया जा रहा है। सरकार के विरुद्ध जी आवाज़ आनू डट के पहुँचाइए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। इसे तरह ही अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी हदायतों से अकाली दल बादल के सीनियर नेता सरबन सिंह कुलार की अगवाई में भी समूह अकाली वर्करा ने स्थानक वालिया ट्रांसपोर्ट दफ्तर नज़दीक कालियां झंडियां ला के केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी करदिया किसानों के हक में फतवा दिता। इस मौके पर अकाली दल के सीनियर नेता सरबन सिंह कुलार ने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेशों से पूरे पंजाब भर में केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जदों तक केंद्र की मोदी सरकार ये तीनों काले खेती कानून बिल रद्द नहीं करती उन्ना चिर वह भी सरकार खिलाफ वड्डे पद्धर से प्रदर्शन जारी रखेंगे। कुलार ने आख्या कि कोरोना की महामारी के चलद अजे सरकार हदायतों मुताबक ही घट वर्कर बुला के यह प्रदर्शन किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पास करके हिंदुस्तान के किसानों से जनता से थोपे आदा विरोध कल हिंदुस्तान नहीं हो रहा, सारी दुनिया में हो रहा और साढ़े किसान मजदूर व्यापारी वर्ग 6 महीने तो दिल्ली के बार्डर से बैठा, अज 6 महीने हो चुके जी सेंटर की सरकार वो टस तो वस नहीं हुई। जिहड़ा अज काला दिन मनाया जा रहा है वो काले कानूनों खिलाफ किसानों के नाल जो बेइंसाफी सारे पंजाबियों खास तौर पर मजदूरों जो हो रही है वो खिलाफ सरदार सुखबीर सिंह जी बादल पहला भी उन्होंने सानू हदायतां कीतियां वे किसानी संघर्ष का हर तरह अपने पार्टी प्रधान के आदेशों मुताबिक असी कोविड दिया जिहड़ियां हदायतां पालन करते हुए अज ये प्रोटेस्ट असल संकेतक तौर पर कर रहे हैं।
आने वाले समय जो कोविड का पाबंदियां खत्म हो गया वड्डे रूप में संघर्ष किया जाऊगा और ये काले कानून जिन चर खत्म नहीं होंगे उन्ना चर श्रोमणी अकाली दल टेक नहीं बैठेगा और इन्हों के नाल मोढ़े ना मोढ़ा ठा खड़ेगा। तो मैं सारे यही बेनती करूँगा, मोदी साहब बेनती करूँगा कि अपने मन की बात छड़ दे, हुण लोगों के पब्लिक के मन की बात सुन, किसानों के मन की बात सुन, जिन्होंने वोटा मांगते उन्होंने मन की बात सुन, ता जो पब्लिक जी सौखी होवे।